गाड़ियों की हिस्ट्री और उनके रिक्रिएशन पर एक बहुत ही औसम शो बन सकता है। हिस्ट्री टीवी की काउंटिंग कार्स इस चीज का एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है। साथ ही साथ बेहतरीन थे इस सीरीज के कास्ट और क्रू, लेकिन जो भी चीजें इस सीरीज के अंदर दिखाई जाती थी उनमें कितनी सच्चाई थी। डैनी कोकर काउंटिंग कार से पहले कौन से टेलीविजन शो को होस्ट करते थे, कौन सी गाड़ी थी जिस पर डैनी कोकर ने सबसे पहले काम किया था और उन्हें अपनी गाड़ियों की नॉलेज कहाँ से मिली थी, साथ ही साथ कौन कौन से कास्ट और क्रू के ऊपर पैसे को लेकर हेर फेर का आरोप लगा था, और साथ ही साथ ऐसे ही कई सारे होश उड़ा देने वाले बिहाइंड द सीन सच का पर्दाफाश करेंगे आज की इस वीडियो में। तो फिर देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपको स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और वीडियो में। नाउ विद वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर बात की जाए काउंटिंग कार्स की एज अ टीवी शो के रूप में शुरुआत की, तो इसकी शुरुआत पॉर्न स्टार्स के तीसरे स्पिन ऑफ के रूप में हुई थी। और अगर आप पॉर्न स्टार्स के बारे में भी जानना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। बाय द वे, डैनी क्रोकर एके द काउंट का पॉर्न स्टार्स टीवी शो के अंदर बार बार आना ही इस शो का सेटअप था, जहाँ पर पहली बार इस शो को 13 अगस्त 2012 को रिलीज किया गया। लेकिन इस शो का नाम काउंटिंग कार्स जिस पर रखा गया है वो है इसके मेन कर्ता धर्ता डैनी क्रूकर, जिन्हें काउंट भी बुलाया जाता है, जो एक कार मेकर के साथ साथ एक बहुत ही बेहतरीन सिंगर और म्यूजिशियन है, और उनका अपना खुद का रॉक बैंड काउंट 77 भी है, जो अमेरिका और लॉस वेगस में अपने शो को करते हैं। और काउंटिंग कार्स को बहुत पहले उन्होंने एज अ साइड हॉबी ही शुरू किया था। लेकिन क्या आपको मालूम है कि डैनी द काउंट कोकर इससे पहले भी हमें एक अलग टीवी शो के अंदर देखने को मिल चुके हैं, और सैटरडे फ्राइड एट द मूवीज के अंदर वो काउंट कूल राइडर के रूप में इस शो को होस्ट किया करते थे। लेकिन डैनी ने म्यूजिशियन से मैकेनिक बनने तक का सफर कैसे किया और गाड़ियों की बनाने की उनकी शुरुआत कैसे हुई थी? वेल, गाड़ियों का चस्का उन्हें अपने पिता डैनी कोकर सीनियर से आया था, जो खुद भी एक म्यूजिशियन थे, जहां पर उन्होंने पहली बार डैनी को 1979 में उनकी पहली कार शेवले कमेरो Z28 दी थी, और इसी अपनी गाड़ी पर काम करते करते और उसे ट्रांसफॉर्म करते करते उन्हें गाड़ियों की बनावट और मैकेनिक्स का अंदाजा लग पाया। सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने इस गाड़ी को आज तक अपने पर्सनल कलेक्शन के अंदर रखा हुआ है। यही रीजन है कि टीवी शो के अंदर कई बार द काउंट यानी डैनी की फैक्ट्स कार्स के बारे में उतने सही नहीं होते, और कई बार रियल लाइफ मैकेनिक्स और इंजीनियर्स ने उनकी गलतियों को पॉइंट आउट किया है। इसीलिए शो के लेटर सीजन के दौरान यहाँ पर डैनी क्या बोलेंगे और क्या बोलने वाले होंगे इसका ख्याल प्रोडक्शन बहुत ही अच्छे से रखता था, और उनकी बातों को डबल चेक करवाया जाता था। जी हाँ, सॉरी, राज थोड़ा आपके सामने पहले ही खोल दिया। वेल, एक्चुअली ये शो कहने को तो रियलिटी था, लेकिन इस शो के कई सारे एस्पेक्ट्स पूरी तरह से फेक थे। इसमें शो के रियल कास्ट का कॉन्वर्सेशंस, उनके झगड़े, उनका ड्रामा, सब कुछ स्क्रिप्टेड था, और चीजों को टीवी के हिसाब से मजेदार बनाने के लिए काइंड ऑफ उन्हें ऑर्केस्ट्रेट किया जाता था। अच्छा, वो तो असली ही होगा ना, जहाँ पर डैनी और बाकी की टीम और लोगों से रुककर उनके गाड़ियों के लिए मोल भाव करती है। सॉरी आपका दिल तोड़ने के लिए, लेकिन वो भी पूरी तरह से स्क्रिप्टेड ही हुआ करता था। और जैसा कि डैनी और उनकी टीम को शो के अंदर अप्रोच करते हुए दिखाया जाता है, उनसे पहले एक्चुअली शो की टीम इन सेलर से जाकर खुद बात करती थी और मोल भाव करती थी, और उसके बाद एक स्क्रिप्ट बनाया जाता था, जिसके बाद सेलर और डैनी की टीम को वो स्क्रिप्ट दिया जाता था, और वही कॉन्वर्जेशन हमें शो के अंदर सुनने को मिलता था। और मुझे लगता था कि गाड़ियां अमेरिका में ऐसे ही खरीदी जाती हैं। वाह, सब ठीक है, लेकिन काउंट कस्टम यहाँ पर काम तो बहुत अच्छा करता होगा, इसलिए तो हमें वो चीजें शो के अंदर देखने को मिलती थी। वेल, कुछ एग्जांपल्स को अगर छोड़ दिया जाए तो काउंट कस्टम का एज अ शॉप रिव्यू रियल लाइफ में काफी बेकार है, जहाँ पर लॉस वेगस के लोकल्स इस आउटलेट को इंटरनेट पर काफी बैड रिव्यूज दे चुके हैं। बट कई बार सचमुच कुछ गाड़ियों को अच्छे से रिस्टोर किया जाता है और उन्हें शो के अंदर दिखाया जाता है, लेकिन इन्हीं गाड़ियों को शो के अंदर प्रायोरिटाइज करने के चक्कर में बहुत बार इन पर बहुत ज्यादा टाइम और एफर्ट खर्च होता है, जिसके कारण ही शायद दूसरे गाड़ियों के लिए यहाँ पर टीम के लिए उतना वक्त नहीं बच पाता, और टीम उन गाड़ियों पर टाइम पर ध्यान नहीं दे पाती, हेंस द रियल लाइफ बैड रिव्यूज। अब कस्टमर्स का तो छोड़ ही दीजिए, यहाँ पर तो कॉन्ट्रोवर्सीज अपने खुद के इम्प्लॉयज के साथ भी शो के अंदर हुई है, जहाँ पर अगर आपने इस शो के अर्लियर सीजन को देखा होगा तो आपको स्कॉट नाम का कैरेक्टर तो याद ही होगा। वेल, सीजन 2 के बाद वो कैरेक्टर इस शो के अंदर से दिखना बंद हो गया, जहाँ पर बहुत सारी इसके पीछे थ्योरीज हैं, जिनमें से माना जाता है
कि स्कॉट ने एक्चुअली शो के अंदर कुछ पैसों की हेरा फेरी की थी, जिसके कारण उसे इस शो से हटा दिया गया। वहीं पर कुछ मानते हैं कि स्कॉट ने अपने बच्चे के पैदा होने के बाद इस शो को छोड़ दिया था, लेकिन सच अभी तक किसी को नहीं मालूम। वहीं पर दूसरी ओर 2017 में काउंटिंग कार्ड्स के वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड पेंटर्स जोसेफ फ्रंटियरा पर काउंट कस्टम्स ने इल्जाम लगाया था कि उन्होंने पैसे की हेरा फेरी की है, जहां पर उन्होंने कंपनी के $75,000 अपने लिए और अपनी कार के ऊपर खर्च किए थे। खैर, जब बात चोरी चकारी की चली रही है तो यहाँ पर रोली, जिसके ऊपर जिम्मेदारी होती है सारे के सारे कस्टमर्स की रीडिफाइंड गाड़ियों को चलाकर उन तक डिलीवर करने की, उस बेचारे के साथ भी बहुत बड़ा हादसा हुआ था, जहाँ पर रोली अपने ट्रेलर को काउंट कस्टम की पार्किंग में ही रखता था और कई बार शो के अंदर भी हमने उसके ट्रेलर को देखा था, जिसके कारण चोरों ने इसे ही चोरी कर लिया। वहीं पर इस शो के अंदर कई बार ऐसी भी कार्स आया करती थीं जिनकी खुद की हिस्ट्री और कहानी हुआ करती थी, जिसके कारण इन्हें रीस्टोर करने का एक बहुत ही इमोशनल वैल्यू मिलता था। लेकिन कभी कभार इन स्टोरीज को भी ऑडियंस के लिए जबरदस्ती बनाया जाता था, जहां पर एक शेवी ट्रक इस चीज का एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल था, जहां पर ये कबाड़ में अनक्लेम्ड पड़ी थी और उसे शो ने एक बहुत ही वैल्यूएबल एसेट बनाकर उसे रीस्टोर करके दिखाया था। वहीं पर अगर बात करें इस शो के प्रोडक्शन और शूटिंग की, तो इसे हर हफ्ते के वीकेंड के अंदर शूट किया जाता था, जहां पर एक दिन के अंदर 8 घंटे में इसके 40 घंटों के फुटेज को रिकॉर्ड किया जाता था, जिसके कारण एक वीकेंड के अंदर 200 घंटे का फुटेज और एक महीने के अंदर 800 घंटे का फुटेज रिकॉर्ड किया जाता था, और इसी को एडिट करके कई एपिसोड्स बनाकर दिखाए जाते थे। और जैसा कि मैंने एडिटिंग के बारे में बताया, जरूरी नहीं है कि जिस शो को जिस हिसाब से रिकॉर्ड किया जाता है उसी हिसाब से इसे दिखाया भी जाता है, और जनरली हम इस शो के अंदर एक पूरी के पूरी कार के खरीदने और उसे रीडिफाइन होने की पूरी जर्नी को दिखा दिया जाता है। लेकिन जैसा कि एक कार को रियल लाइफ में रीडिफाइन करने में एक बहुत ज्यादा वक्त लगता है, कई बार कुछ पास्ट के फुटेज और फ्यूचर के फुटेज को मिलाकर एक एपिसोड को बनाया जाता है, जिसके कारण ऑब्वियसली इस शो की एडिटिंग टीम के दिमाग का भूसा बन जाता होगा। शुरुआत से लेकर अब तक हमने इस शो के अंदर बहुत सारी ऐसी कार्स देखी थी जिन्हें डैनी ने खुद के लिए रख लिया था। एंड डेफिनेटली जब आप किसी चीज पर इतनी मेहनत करें और वो इतनी खूबसूरत निकल जाए, तो उस पर दिलाना तो जायज सी बात है। इसके कारण डैनी की पर्सनल कलेक्शन के अंदर 58 कार्स हैं, जिनमें ऑफ कोर्स जैसा कि मैंने बताया उनकी सबसे पहली कार भी है। एंड अप्रोक्सीमेटली डैनी की टोटल नेटवर्थ इस शो की वजह से अभी $13 मिलियन के आसपास है। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कमेंट्स में आप बताइए कि आप द काउंटिंग कार्ड्स के बारे में और क्या क्या जानते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ऑसम वीडियो चैनल पर लाते रहते हैं। मैं जल्द ही आपको एक नई वीडियो में देखने को मिलूंगा, तब तक आप हमारी इन वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।